ये क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा? वेलकम PUBG लवर्स। तो मैं आ चुकी हूँ एक और कतई जहर के प्ले लेके। ओके, अब मैं जा रही हूँ सैन मार्टिन। सोलो के लिए बेस्ट है, बहुत सारे किल्स मिल सकते हैं यहाँ पे, तो आप भी ट्राई करना। सैन मार्टिन जाओ और किल्स बढ़ाओ, ठीक है? तो बस आप देखो और एंड का बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? इन सबको मारने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे लूट करने। उसके बाद मुझे आती है एक फुटस्टेप्स की आवाज़। तो बस अब देखो, इसको मारना तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहा। और अब आगे देखो बस। इस किल के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सैन मार्टिन के ऑलमोस्ट सारे बंदे मर चुके हैं, बट कुछ हैं अभी भी जिनको मारना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वो पिक नहीं दे रहे हैं और मेरे पास ऐसी गन नहीं है जिससे मैं उसे मार सकूँ। पहली बैरल, दूसरी यस एस के एस, इससे मैंने ट्राई किया था। इसके पास AWM थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था इसे मारना। ये बच जा रहा था, तो फाइनली जोन आ चुका था, तो मैं जोन में बढ़ रही थी क्योंकि मेरे पास कोई कार नहीं थी। तो मैं जोन में जा रही थी तभी मुझे किधर से साउंड आता है। इसे मारने के बाद मुझे मिल जाती है मेरी M4 और फिर मैं जोन में आती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ, ठीक है? आप भी देखो, फिर मुझे बस कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन बंदों को क्या कहा जाए। सोलो में सीरियसली, ये हेड था, बट मेरे पास AWM होती तो ये पक्का कंफर्म किल हो जाता उसी टाइम। अब देखो इन चूतियों को मैं क्या ही कहूँ। 1 2 3 तीन तीन टीम अप करके घूम रहे हैं। उनको इग्नोर करके मैं आती हूँ जोन में और बचे हैं 7 बंदे। इसको मारने के बाद मैं जैसे ही लूट कर रही थी तो बचे थे 5 बंदे, वो एक 3, मैं चौथी। एक बंदा और रहता है जो कि मुझ पर ये कार 98 शॉट चलाता है। वो बंदा जोन में उनके तरफ जाता है तो वो तो बचता है नहीं, और ये तीनों बंदे बचे हैं और मैं अकेली, ठीक है? बस अब देखो, और जोन भी ऐसा ओपन में है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों करते हो लोग, यार तुम लोग क्यों करते हो ऐसे सोलो में ऐसे टीम अप? इसको मारने के बाद जैसे ही मैं जोन में आके बढ़ती हूँ, मुझे ये पता था कि सामने की तरफ एक बंदा है, इसका लोकेशन मुझे नहीं पता था और मैं मर जाती हूँ। और मैं क्या ही कर सकती यार, इतना छोटा सर्कल, ऊपर से मेरा मार, तो बचना तो मुश्किल ही था, ऊपर से फुल ओपन सर्कल। और देखो तो इन बेशर्मों को कैसे इमोट मार रहे हैं। इन चूतियों के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है?
बट मैं तो कुछ कहना चाहती हूँ। तेरा सत्यानाश हो, तेरे बदन में इतने लंबे लंबे कीड़े फूटे, पानी के लिए तरसे दूसरे से